तीन लोग आगे थे और बाकी पीछे से। पहली गलत है, कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, सारे बैकग्राउंड मैं उड़ा लाऊंगा, बैकग्राउंड मैं उड़ा लाऊंगा। देखो साढ़े वास्ते कोई टेंस नहीं है, सानू गालां कढ़दे पए आ फेसबुक ते मैसेंजर ते, धमकियां दे रहे आ मेरी फैमिली नू, मेरी सिस्टर नू, मेरी वाइफ नू, मेरी मदर नू धमकियां दे। मेरी मदर एडमिट, मेरे फादर साहब एडमिट पए होस्पिटल, मेरी मदर बैठी कोल, उहदे उहनां दे फोन ते मैसेंजर ते धमकियां आ रही आ। दसो इह मावां भैणां दी राखी दी गल करदे सीगे कि असीं मावां भैणां दी राखी करदे हां, धीआं भैणां सारियां सांझियां हुंदियां, इज्जत करदे हां, आ इज्जत करदे आ इह, मैं डरदा नहीं किसे तों, पर जे मेरी भैण ते मेरी मां ते कोई अख चकूगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा इस चीज़। जे कोई उन्होंने वाल कोई गाल कट के गल करूंगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा इस चीज़ में। मैंने जितने मर्जी जाना पवे, मैंने जितने मर्जी बहना पवे, मैं बैठूंगा। पहले दिन की गल कुछ होर सी, जो मेरा पक्ष नहीं सी सामने, अज की गल कुछ होर है, अज मेरा पक्ष सब के सामने पिया, सच्चाई सब के सामने पई है, यह सच्चाई कड़वी लगी है, तो यह सब कुछ हो रहा। और सच्चाई तुहाडे सामने है, अज सवेरे सवेर की मैं फेसबुक पर एक वीडियो देखता पाया जिस ये बेटे की अनमोल कवात्रे की कार के पिछे पोस्टर लगे हुए बैंस साहब के प्रचार कर रहे, पोस्टर लगाना भाजी। एक पास तुम कह रहे हो कि मैं किसी चीज़ का प्रचार नहीं करता, मैं सेवा करके आ रहा, तो मेरी हम एंबूलेंस के पिछे बैंस साहब के पोस्टर ला सकते हो, एंबूलेंस के पिछे बैंस साहब के पोस्टर ला सकते हो, या गुरु घर के बाहर पोस्टर ला सकते हो, या मंदिर के मस्जिद अंदर पोस्टर ला सकते हो, जब तुम सेवा करते पे हो एक तो सेवा सेवा तरीके करो, ऐ ना करो कि तुम मंग की जो बनती, अपना ओपीनियन असं देता जी सी पी साहब न, जो बनती कार्रवाई होगी करेंगे। देखो ये असं देता मैमोरेंडम जी हमारा, जो सब तो वही गल, सब तो वही गल ये है जी, जिड़िया उन्होंने लाइव होकर मैं गाला कड़िया वो मैं देता जी उन्होंने, तो दूसरा जो उन्होंने हाईवे जाम किया, मैं एक गल का जवाब दो, अज हाईवे जाम होया ठीक है जी, हाईवे जाम के किसी की डैथ हो जाती, एंबूलेंस तीन फसिया उस वेल, जे किसी डैथ हो जाती तो कौन जिम्मेवार से, मोल पात्र जिम्मेवारी लैंदा सी, कौन लैंदा जिम्मेवारी, धरना धरना लग्या मामला सर इस गल तो शुरू हुआ, मैं वोट पाना आया अपनी वाइफ में, ये तो फादर साहब ने मेरी वाइफ को कहा कि वोट लैटर बॉक्स में पा दे, क्यों पा दे, अपनी मर्जी है, लोकतंत्र है, तुम किसी इंसिस्ट कर ही नहीं सकते, असं नहीं करते, और मैनू नहीं पुछ के उन्हें वोट पाई होगी कि हाँ कि मैं किनू पावा, मैं क्योंकि मैं किसी चीज़ इंटरफेरेंस नहीं करता, मैं वोट के पिछले मैं किसी को कभी नहीं कहता कि हाँ वोट किनू पाओ किनू नहीं पाओ, असं ठीक है कि छोटे जे वर्कर जरूर हैं, बट मेरे फादर करके मैं उस दिन पूरा दिन नहीं उत्थे आया, मैं सिर्फ फादर साहब को एक बजे मैं उत्थे पहुंचा, एक बजे पहुँच के जो फादर साहब ने नहीं गल कही तो मेरी वाइफ ने मैं आवाज़ लगाई कि मैं इंसिस्ट कर रहे हो वोट पाने वास्ते, बट मैं उन्होंने यही कहा, मैं तुम इन्नी गल क्यों कर रहे हो, तुम कहते 72,000 जुमले देते, ये करता वो करता, तुम चलो जो उन्होंने किया, मैं गाल कटी उन्हें लिटरली इन गंदियां गाल कटियां, वह इन्ना गंदा वे ऑफ टॉकिंग, तो असी मैं उन्होंने कहा, मैं क्या तुम सियाने प्याने बंदे हो जी, तुम क्यों गाल कटते हो, आले दुआले 10-15 साढ़े बुजुर्ग खड़े थे, रश बहुत सीगा, तो उन्होंने कहा कि तुम इतने लेडीज़ आ रही जी वोट पाने वास्ते, गाल ना क्योंकि मेन बूथ सीगा, बट वो बंदा नहीं हटिया, उन्हें अपने बेटे को फोन किया कि हाँ जल्दी आ जा, जरा अज या मोहित मार दे या मैनू मार दे, तो बेटे का कोई कसूर नहीं किसी पास भी, और देखो जो होया वो लाइव वीडियो सब कुछ पिया हुआ थोड़े सामने, जो उन्हें साडा पक्ष ले लिया जी, जिवें तुसीं साडा पक्ष देता, मीडिया ने सारा पक्ष साडा देता सारे सामने, उवें असीं पक्ष उन्होंने देता, वह हुण जो होगा बनदी कार्रवाई होगी। मैं मीडिया अगे रिक्वेस्ट एक ही करदा, मैं सारी मीडिया का बहुत थैंक्स करदा, क्योंकि जे तुसीं मेरी मेरा पक्ष ना लेंदे तो शायद मैं अज बहुत थले हुंदा, जिस हिसाब दी मैनू धमकियां आ रही, जिस हिसाब दा कुछ आ रहा, मैं एक रिक्वेस्ट सिर्फ NRI भरावां नूं करना चाहुंदा, तुसीं मेरा पक्ष सुनो, मेरी गल सुनो, और किसी नूं धी भैण की गल ना करो, ये रिक्वेस्ट है, धीआं भैणां सब दीआं सांझियां हुंदियां, मेरे ते जो मर्जी अटैक करो मैं सहन करदा पिया, मैं पिछले 4 दिन सहन करदा पिया, पर जे मेरी सिस्टर ते मेरी वाइफ ते मेरे मदर ते करोगे वो मैं तो सहन नहीं होना। ठीक है, थैंक यू सर। अज तो असीं अपनी गल दसण आए सी सारी, क्योंकि अजे तक असीं तां अपनी कोई कंप्लेंट जां कुछ दिता ही नहीं सीगा, असीं अपनी सारी गल दसी कि उस दिन मौके ते की कुछ होया, क्योंकि जिहड़ा सारा इशू है पोलीटिकल इशू सीगा, क्योंकि राजू कवात्रा जी लास्ट टाइम इलैक्शन लड़े से, जिहड़ी भी गलबात बोलबली है जां उत्थे माड़ा मोटा लड़ाई झगड़ा होया सी राजू कवात्रा जी नाल होया सी, और थोड़े चैनल के थ्रू मैं विड नॉट अक्सैप्ट थिंग्स एंड मनी उन्होंने मैंबरस नूं रिक्वेस्ट करनी चाहुंदा कि ये सारे मैटर चंगी तरह देख लैन, समझ लैन कि ये मैटर कोई भी NGO नाल रिलेटड नहीं है, उस NGO नाल साडे किसी भी टीम मैंबर का कोई भी नहीं है, वो जिहड़ा काम करदे सानूं उहदे ते कोई इतराज़ नहीं है। ठीक है, एक गल समझ नहीं पैगी कि यह झगड़ा पोलीटिकल सीगा, उसके फादर जो बैंस साहब के समर्थक ने उन्होंने बूथ लगा रहे थे, उस दिन उन्होंने तो प्रॉपर बूथ नहीं लगे, जिहड़ी फ्रस्ट्रेशन उन्होंने हावी होगी, और शाम में जाके उन्होंने झगड़ा कर लिया,
ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਇਨਵੋਲਵ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ, ਰੋਡ ਬਲੋਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ MLR ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਅਬਿਊਜ਼ਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਸ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਥਰੈਟਨਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਮੋਹਿਤ ਨੂੰ, ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ। CP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕ ਕਰਤੀ ਹੈ DCP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਪਰਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ।